वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। भारत में कोरोना वैक्सीन लगने के बाद पहली मौत की पुष्टि हो चुकी है। वैक्सीन लेने के बाद 68 साल के एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। ये बात केंद्र सरकार के पैनल की रिपोर्ट में सामने आई है। इस कमेटी ने वैक्सीन लगने के बाद हुई 31 मौतों का असेसमेंट करने के बाद कंफर्म किया कि 68 साल के एक बुजुर्ग की मौत वैक्सीन लगने के बाद एनाफिलैक्सिस से हुई। ये एक तरह का एलर्जिक रिएक्शन होता है। बुजुर्ग को 8 मार्च 2021 को वैक्सीन की पहली डोज लगी थी और कुछ दिन बाद ही उनकी मौत हो गई। भारत में एक तरफ कोरोना का खतरा कम हो रहा है, दूसरी तरफ वैक्सीन से मौत की खबर चिंता का सबब बन गई है। लेकिन इससे भी बड़ी चिंता का नाम है डेल्टा प्लस। कोरोना वायरस लगातार अपना रूप बदल रहा है। अब इस वायरस का नया वेरिएंट मिला है जिसे डेल्टा प्लस या AY1 नाम दिया गया है। ये कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से बना है जिससे बहुत ज़्यादा संक्रमण बढ़ा था। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ये वेरिएंट भी फिर से कोहराम मचा सकता है। हालांकि वैज्ञानिक इस वायरस को लेकर बहुत ज़्यादा डरे हुए नहीं हैं। उनका मानना है कि भारत में अभी इसे लेकर चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि देश में अब भी इसके बेहद कम मामले हैं। वायरस के नए प्रकार के कारण बीमारी कितनी घातक हो सकती है इसका अभी तक कोई संकेत नहीं मिला है। डेल्टा प्लस उस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल उपचार पर भी हावी हो सकता है जिसे हाल ही में भारत में मंजूरी मिली है। एक तरफ वैक्सीन से मौत की खबर और दूसरी तरफ वायरस के रूप बदलकर और ख़तरनाक हो जाने का डर। इस बीच खबर ये भी है कि 1 जुलाई से स्कूल खोलने की तैयारी है। माना यही जा रहा है कि अभी बच्चों के लिए नहीं, शिक्षकों को स्कूल बुलाने की तैयारी है। ऐसे में बेहतर भी यही है कि बच्चों को अभी स्कूल ना बुलाया जाए क्योंकि कोरोना का खतरा अभी सर से टला नहीं है। और खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।